हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता कालरा और मेरे चैनल सुनीता कालरा आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल की कचरी। इसके लिए हम बचे हुए चावल को 2 गुना पानी और थोड़ी सोडा डालकर 2-3 सीटी लगा देंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर खोलकर उसको अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे और इस पिसे हुए घोल को किसी भी पन्नी पर ऑयल लगाकर थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल लें। ये बहुत ही टेस्टी बनकर कचरी तैयार होती है चावल की, वो भी बचे हुए थोड़े से चावल से, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है। एक बार आप बनाकर ट्राई ज़रूर करें, कुरकुरे खाना भूल जाएंगे, इतनी इसमें स्वाद होता है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। बने हुए चावल को हम 2 गुना पानी डालकर थोड़ी सी सोडा चुटकी भर डालकर उसे 5 से 7 सीटियां लगा लें। ठंडा होने पर उसको पीस लें मिक्सर में। ये हमने सारी कचरियां इस तरह से डाल दी हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम इन सबको धूप में 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह से सुखाएंगे, उलट पलट करके। ये हम धूप में लेकर आ गए हैं और अच्छी तरह से ये सूखने पर ये इस प्रकार से बन जाएगी। ये अब हम इसको फ्राई करके आपको ऑयल में दिखा देते हैं, ये कितनी टेस्टी और फूल कर खिल जाती है। एक बार आप ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। ऑयल तेज, एकदम तेज गर्म होना चाहिए, तभी ये अच्छे से फूलेगी। इसको हम किसी भी शेप में भी बना सकते हैं। जल्दीबाजी में बनाना है तो इसी तरह से हम मंगोड़ी की तरह बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये सारी हमने कचरियाँ तैयार कर ली हैं फ्राई करके। इसको हम फ्राई करके भी रख सकते हैं, जब मन चाहे तब हम इसको 2-3 दिन करके जब भी हमें चाहिए हम निकाल कर खा सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में आप इसको रख दें, पॉलीथीन में डालकर। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये खाने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये एकदम से इस तरह से तोड़ने से टूट जाती है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अभी तो गर्मियों के दिन हैं तो बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है, तो देर किस बात की, बनाएं और इंजॉय करें बचे हुए चावल से कचरी का। है ना बहुत सुंदर और टेस्टी, ट्राई कर ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।